हेलो किड्स, आप सभी ने अब तक बहुत सारी साइंस की ट्रिक्स पढ़ी। अब हम चलेंगे एक सैर पर कि कब कितने दिनों बाद आप स्कूल आए हो, कब से स्कूल पर नहीं आए थे। तो आज हम चलेंगे एक सैर पर कि हम जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम की सैर पर। पहले हम जाएंगे सभी प्लैनेट पर, फिर उन सभी प्लैनेट पर क्या क्या प्रेजेंट है, वो प्लैनेट कैसे है, उन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो आप सभी रेडी हो ना एक सैर के लिए, हमारी सोलर सिस्टम को जानने के लिए। वेरी गुड, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोलर सिस्टम जिसका फर्स्ट प्लैनेट है बुध। हमारा फर्स्ट प्लैनेट है बुध। बुध को हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा जो ये बुध है वो कैसा है? बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू है। तो इस तरह से बुद्धू से हम याद रखेंगे बुध को। बुद्धू से क्या याद रखा? बुध को। अब जो भी व्यक्ति बुद्धू है वो सन को पसंद है। किसको पसंद है? सन को पसंद है। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में हमारा बुध ग्रह है वो फर्स्ट नंबर पर है। हमारा बुध ग्रह है वो कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है। क्यों फर्स्ट नंबर पर है? क्योंकि वो बुद्धू है और वो सन को बहुत पसंद है। अब जो बुद्धू है वो सन के पास तो है, सन को पसंद तो है, पर उसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो इस व्यक्ति पसंद नहीं करता ऐसे हम याद रखेंगे कि उसके उपग्रह के नंबर्स, उसके उपग्रह कितने हैं? जीरो। उसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बुद्धू से क्या याद रखा? बुध को। बुद्धू है इसलिए किसको पसंद था? सन को। तो इसलिए वो सन से ज़्यादा नज़दीक है और बुद्धू होने की वजह से उसके पास कोई भी नहीं है। मतलब कि उसके पास उपग्रह की संख्या क्या है? जीरो। याद रह गया बुध के बारे में सब कुछ? बुध के बाद का हमारा जो दूसरा ग्रह है वो शुक्र। शुक्र वर्ड को हम ध्यान से देखें तो निकल के आता है सुख। क्या निकलेगा? सुख। अब सुख मतलब कि हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। अगर हमारे जीवन में प्रकाश है मतलब कि हमारे जीवन में क्या है? सुख है। तो हमारा शुक्र है, इस प्रकाश से हम याद रखेंगे कि हमारा शुक्र हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। क्या है? सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ब्रिलियंट स्टार है। और ये प्रकाश कब कब होता है? तो कि मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग को हमें प्रकाश दिखाई देता है। मतलब कि हमारा शुक्र हमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रह गया कि सुख है मतलब कि उसके पास प्रकाश है। प्रकाश कब कब होता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब दूसरा पॉइंट कि शुक्र है वो कैसा है कि शुक्र हमारा हूबहू पृथ्वी जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो इसको हम याद रखेंगे इस तरह कि हमारी पृथ्वी पर सुख ही सुख है ना, हमारी पृथ्वी पर सुख। तो इस तरह शुक्र पर भी सुख है। तो दोनों के पास सुख होने की वजह से दोनों कैसी है? एक दूसरे की बहनें। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि शुक्र है वो पृथ्वी की बहन भी मानी जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट कि हमारा जो शुक्र है उसके पास सुख है मतलब कि दुख नहीं है। सुख है मतलब कि दुख बिल्कुल नहीं है। तो उसके उपग्रह की संख्या क्या होगी? जीरो। दुख नहीं से हम क्या याद रखेंगे? उपग्रह की संख्या जीरो। याद रह गया? तो हमारा तीसरा प्लैनेट है पृथ्वी। हमारा तीसरा प्लैनेट कौन सा है? पृथ्वी, जिस पर हम रह रहे हैं। तो पृथ्वी को हम इस तरह से याद रखेंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहते हो? हमारी पृथ्वी की स्टोरी हमने इस तरह से रखी है कि एक पृथ्वी नाम की एक लड़की होती है और उसका घर होता है नीले रंग का। पृथ्वी नाम की एक लड़की है और उसका घर है नीले रंग का, और उसका सा एक गोरा चिट्टा सा बेटा होता है। पृथ्वी का एक गोरा चिट्टा सा बेटा है जिसका नेम था मुन्ना। तो
नीले रंग से हम याद रखेंगे कि उसका नीले रंग का घर है, मतलब कि हमारी पृथ्वी का कलर कौन सा है, नीला, मतलब कि ब्लू। पृथ्वी का कलर कौन सा हुआ, ब्लू। और उसका एक बेटा है, मतलब कि उसके पास एक सैटेलाइट है, और उसका नेम क्या था, मुन्ना, मतलब कि मून। पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, मून। याद रह गया पृथ्वी का कलर ब्लू, उसका एक सैटेलाइट मून। वेरी गुड। इसके बाद का हमारा ग्रह है मंगल। कि पृथ्वी के बाद का जो प्लैनेट है वो कौन है, मंगल। मंगल को हम मार्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स। तो इस मंगल को हम कैसे याद रखेंगे, कि मंगल वर्ड को हम ध्यान से देखें तो लास्ट में हमें दिखाई देता है गल, मतलब कि गाल। हमारे पास कितने गाल है, तो कि दो, लेफ्ट एंड राइट। हमारे कितने गाल है, लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरह से मंगल के पास भी कितने उपग्रह हैं, दो, लेफ्ट एंड राइट गाल से याद रखा दो उपग्रह। अब हमारी ये दोनों गाल हमें जब शर्म आती है तो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल रेड रेड। तो हमारा जो ये मार्स है वो कौन से कलर का है, रेड कलर का। और रेड कलर वहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उसकी सोयल में, उसकी लैंड पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स। और हमारा जो ये मार्स है उस पर एक मूवी भी बनी थी, याद है सबको, मिशन मंगल। तो उसमें दिखाया गया था कि मार्स पर पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, मतलब कि वहाँ पर हम जाके रह भी सकते हैं। तो ये था हमारा मार्स, कि जो रेड कलर का है, उसके दो उपग्रह है, और दोनों उपग्रह के नेम क्या है, तो कि फोबोस एंड डीमोस। क्या है, फोबोस एंड डीमोस। और हमारे रेड प्लैनेट पर, मतलब कि मार्स प्लैनेट पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है, और वहाँ पर वाटर के ट्रेसेस भी पाए गए हैं। याद रह गया सभी के सभी प्लैनेट। एक बार हम सभी प्लैनेट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो सबको इजीली याद रह जाएगा। हमारा फर्स्ट प्लैनेट कौन सा था, बुध। बुध को हमने कैसे याद रखा था, बुध से। उसके पास कितने उपग्रह थे, जीरो। और हमारे बुध के बाद का जो ग्रह था वो कौन सा था, शुक्र। शुक्र के पास कितने उपग्रह थे, जीरो। उसको हमने कैसे याद रखा था, कि वहाँ पर दुख नहीं है। दुख नहीं है मतलब कि उसके उपग्रह की संख्या जीरो। और शुक्र को हमने याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ की थी, तो कि सुख, कि मतलब कि जीवन में प्रकाश। हमारा शुक्र है वो प्रकाश देने वाला है, कब देता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसीलिए शुक्र को क्या बोला था हमने, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार एंड ऑल्सो ब्राइटेस्ट स्टार। ठीक है, इसके बाद का हमारा ग्रह था पृथ्वी, जो हमारा थर्ड नंबर का प्लैनेट था, जो हमारा निवास स्थान भी है, और वो ब्लू कलर का था, था ना, ब्लू कलर का। और उसका एक गोरा चिट्टा, मतलब कि वाइट कलर का सैटेलाइट था, जिसका नेम था मून। और लास्ट में हमने स्टडी किया मंगल, कि मंगल को हमने याद रखा गाल से, हमारे दो गाल, फोबोस एंड डीमोस, मतलब कि दो सैटेलाइट, फोबोस एंड डीमोस। और रेड कैसे याद रखा, तो कि हमारे गाल शर्म आने पर कैसे हो जाते थे, रेड रेड। तो इस तरह से हमने याद रखा कि हमारा मंगल ग्रह है वो रेड कलर का है, और रेड होने का मतलब कि वहाँ पर मिनरल्स है वो सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर वाटर के ट्रेसेस भी पाए गए हैं।